नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बिहार पंचायत चुनाव के सातवें चरण में रंगरा और गोराडी में शांतिपूर्ण संपन्न हुआ मतदान, वोटरों में दिखा गांव की सरकार चुनने का उत्साह। महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के ऐतिहासिक निवास कक्ष तोड़ने के विरोध में एकजुट हुए सेवक, कहा धरोहर को नहीं होने देंगे नष्ट। असामाजिक तत्वों ने किराना दुकान में लगाई आग, हजारों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। जिले में नहीं थम रहा है अवैध शराब का कारोबार, डीएम के निर्देश पर सदन जांच के दौरान भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। और जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई गई बिरसा मुंडा की जयंती। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर के गोराडी और पुलिस जिला नौगछिया रंगरा चौक प्रखंड में सोमवार को बिहार पंचायत चुनाव के सातवें चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। सोमवार की सुबह से ही पंचायत चुनाव को लेकर मतदान के लिए सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतार जुटनी शुरू हो गई। जैसे जैसे दिन बढ़ने लगा मतदाताओं की कतार भी बढ़ने लगी। ये सिलसिला देर शाम तक बदस्तूर जारी रहा। जानकारी के अनुसार दोनों ही प्रखंड क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हालांकि प्रशासन की ओर से अंतिम मत प्रतिशत की पुष्टि होना अभी बाकी है। एक ओर जहां मतदान में पुरुष मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, वही महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लिया। वही गांव के सरकार चुनने में युवाओं के साथ साथ वृद्ध मतदाताओं ने भी बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इधर गोराडी और रंगरा चौक प्रखंड के कई मतदान केंद्र पर शाम 5 बजे के बाद भी मतदाताओं की कतार देखी गई। हालांकि कुछ जगहों से छीट-पूट व्यवधान की भी खबर आई, लेकिन चुनाव अधिकारियों और मतदान कर्मियों की सूझबूझ से समाधान कर लिया गया। प्रखंड में कई जगहों से बायोमेट्रिक मशीन में नेटवर्क नहीं आने की शिकायत भी मिलती रही, जिस कारण कुछ मतदान केंद्रों पर बिना बायोमेट्रिक के ही मतदान कराया गया। मतदान के दौरान कहीं से हंगामा एवं अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली, जबकि प्रशासन की ओर से शांतिपूर्ण मतदान को लेकर हर जगह सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। बता दें कि गोराडी प्रखंड के कुल 99,284 मतदाताओं के लिए प्रखंड क्षेत्र में 182 बूथ बनाया गया था, जहां मतदाताओं ने वोटिंग की। जबकि मतदान कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे डीएम सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी निताशा गुड़िया ने भी मतदान कर्मियों से बात कर दिशा निर्देश दिया। पूर्ण चल रहा है अभी भी कई बूथों पर, और कुछ बूथों पर समाप्त भी हो गया है। कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है दोनों प्रखंडों में, और मतगणना भी जो है वो काफी अच्छे तरीके से सबौर में दूसरे दिन दो दिन बाद जो है वो संपन्न। बिहार पंचायत चुनाव के सातवें चरण की वोटिंग का जायजा लेने सोमवार को भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन जिले के रंगरा चौक प्रखंड पहुंचे, जहां जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम विभिन्न मतदान केंद्रों पर भी गए और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान डीएम ने रंगरा प्रखंड के मध्य विद्यालय में वोटिंग प्रक्रिया के निरीक्षण के बाद कहा कि जिले में शांतिपूर्ण चुनाव चल रहा है और कुछ जगहों पर ईवीएम खराब होने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि जिस मतदान केंद्र से तकनीकी खराबी की सूचना आ रही है, वहां पर टीम भेजकर उसको दुरुस्त किया जा रहा है। वही शांतिपूर्ण और निर्बाध रूप से मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने को लेकर प्रशासन की ओर से बनाया गया जिला नियंत्रण कक्ष लगातार सक्रिय रहा, जिससे चुनाव के दौरान होने वाली किसी तरह के व्यवधान की सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। जबकि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान केंद्रों पर कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण की व्यवस्था भी देखी गई। वही नौगछिया पुलिस जिला के रंगरा प्रखंड में चल रहे मतदान और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज सुबह से ही मतदान केंद्रों का जायजा लेते दिखे, जबकि एसपी तमाम बूथों की सुरक्षा के इंतजाम की मॉनिटरिंग भी करती रही। किसी भी बूथ पर मोबाइल या कोई अन्य उपकरण नहीं ले जाने की सख्त हिदायत दी गई थी। चरण का चुनाव हो रहा है सर, देखिए बढ़िया चल रहा है चुनाव अभी तक, कहीं से भी दोनों प्रखंडों में चल रहा है, गोराडी में भी जो भागलपुर पुलिस जिला है और नौगछिया में यहाँ रंगरा प्रखंड में, तो छोटी मोटी शिकायतें आ रही हैं जिसका कि हम लोग तुरंत समाधान करा रहे हैं। पिछले सभी चरण में चुनाव भी शांतिपूर्ण हुआ है, मतगणना भी बहुत अच्छे से हुई है, कहीं कोई विवाद किसी तरह का नहीं हुआ है। आगे भी हम लोगों को उम्मीद है कि जैसी व्यवस्था है बिल्कुल शांतिपूर्ण। देखिए हम कई बूथ स्वयं विजिट किया है,
हमारे दो दो जो SDPO है DSP क्वार्टर वो भी लगातार घूम रहे हैं और कई स्तर पे बल का प्रनियुक्ति किया गया है और कहीं से कहीं कोई सूचना नहीं है। शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और पूरा भरोसा है कि शांतिपूर्ण मतदान ही होगा और कोई प्रश्न होती है प्रनियुक्ति की है देख लेंगे हम लोग। भागलपुर में भारत का प्राचीन इतिहास शामिल है। यहाँ बौद्ध शिक्षा देने वाले प्राचीन विश्वविद्यालय से लेकर कई ऐतिहासिक धरोहर है जिसमें गंगा नदी के तट पर स्थित कुप्पा घाट भी शामिल है। मान्यताओं के अनुसार संत महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने इस गुफा में कई महीने चटाई पर ध्यान में बिताए थे। कुप्पा घाट में खूबसूरत बगीचे भी हैं जिसका धर्म ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। कई लोगों का मानना है कि भगवान बुद्ध का जन्म इसी क्षेत्र में हुआ था। कुप्पा घाट में प्रवेश करते ही आपको आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होने लगेगी। वही महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज के धरोहर रूपी निवास कक्ष को सौंदर्यीकरण के लिए तोड़ा जा रहा है जिससे संतमत समाज से जुड़े लोग काफी दुखी हैं। भक्तों ने सोमवार को एक स्वर में कहा कि महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज का कक्ष जैसा था उसी प्रकार रहने दिया जाए। सेवकों ने गुरु निवास कक्ष के स्वरूप में परिवर्तन के सवाल पर इसे प्राचीन धरोहर बताते हुए घोर आपत्ति जताई है। बता दें कि गुरु निवास कक्ष तोड़े जाने को लेकर सत्संगी मनोज कुमार ने DIG को आवेदन दिया है जिसके बाद बरारी थाना पुलिस ने तत्काल निर्माण कार्य को रुकवा दिया है। वही संजय बाबा, लाल बहादुर, अमृत कुमार और परमानंद बाबा ने कहा कि यहाँ काफी वर्षों तक महर्षि में ही रहे थे। उन्होंने यहाँ साधना की, प्रवचन किया। वे जिस कक्ष में रहते थे उसे देखने आज भी काफी संख्या में लोग आते हैं लेकिन षड्यंत्र के तहत आश्रम के ही कुछ लोग इसे आकर्षक बनाने के नाम पर तोड़ना चाहते हैं, जो संतमत समाज से जुड़े लोगों की आस्था के विपरीत है। संजय बाबा ने बताया कि पिछले दिनों अभयकांत झा की अध्यक्षता में आश्रम परिसर में गुरु निवास की सुंदरता और विकास के लिए बैठक कर प्रस्ताव लाया गया। महासभा के पदाधिकारियों से विचार विमर्श के बाद निर्णय हुआ था कि गुरु निवास की मूल संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा और सभी कार्य महासभा के निगरानी में किया जाएगा। इसके बावजूद महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज के आश्रम स्थल को क्षतिग्रस्त किया गया। गौरतलब हो कि प्रत्येक वर्ष अखिल भारतीय संतमत सत्संग महासभा के आह्वान पर कुप्पा घाट में देश भर से संत और श्रद्धालु आते हैं जो महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज के निवास भवन का दर्शन भी करते हैं। भक्तों ने बताया कि गुरु निवास भवन को यथावत स्थिति में रखते हुए पूर्ण निर्माण कार्य नहीं किया जाने की शिकायत भारत सरकार, राज्य सरकार, पुरातत्व विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से की गई है। जबकि सेवकों का कहना है कि जिस कक्ष में महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज विश्राम करते थे और बरामदे पर बैठकर भक्तों को दर्शन देते थे उस ऐतिहासिक भवन को किसी भी सूरत में तोड़ने नहीं दिया जाएगा। जी, हम लोग रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बार बार जो है हम लोग महासभा से आरजू विनती कर रहे हैं और पूर्व में महासभा को हम लोग आवेदन दिए और उसमें जो है महासभा के जो पदाधिकारी हैं हम लोग को लिख के दिया गया, भरोसा दिलाया गया कि अब नहीं टूटेगा। इसके बावजूद भी हमारे गुरु महाराज का जो निवास स्थान है उसको कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो तोड़ना चाहता है और उसमें हम लोग चाहते हैं कि नहीं टूटे, जो पुराना धरोहर है वो बचा रहे ताकि आने वाले भविष्य में जो भी श्रद्धालु होंगे और उनके जो पूर्वज होंगे आने वाले पीढ़ी में वो देखने के लिए आएंगे कि कैसे महर्षि जी महाराज अपने निवास में रहते थे, कैसे ध्यान करते थे, कैसे भजन करते थे। कहते हैं ये सुरक्षित रहे, अमानत रहे, कोई तोड़े नहीं, जो कि कथावर्त रहते हैं बोल करके जो बनाए तो ये अथावर्त नहीं रह करके ये बताइए तोड़ रहे हैं। रमेश बाबा जो हैं ये तुरबाड़े हैं लेवर में जुड़ी से। इस स्थान का इतिहास है कि यहाँ प्राचीन गुफा है जो कि कथा कौरव पांडव वाला है या लाक्षागृह है, यहाँ का जो है वो कौरव पांडव वाला वो गुफा है या यह भी कहता है कि यहाँ पर मैं दानव रहता था इस गुफा में, इसे इस महला का नाम पड़ गया मायागंज। तो यहाँ गुरु महाराज जब आए महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज तो यहाँ पर साधना किए, गुफा में अंतिम ज्ञान प्राप्त किए, परमात्मा का साक्षात्कार किए इसी गुफा में। और यहाँ पर वो अपना आवास बना के वो रहने लग गए। हाँ, ये लोग इसको तोड़ना चाहते हैं और मेरा कहना है, हम लोग ये विरोध करते हैं कि गुरु महाराज के जो धरोहर है
वह नहीं टूटना चाहिए, उसको रहने देना चाहिए। लोग देखने के लिए इसी को आएंगे, या संगमरमर पत्थर को देखने के लिए नहीं आएंगे। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र दिलगुआरी मोड़ के समीप एक किराना स्टोर में देर रात असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी, जिससे लाखों रुपए का सामान और नगद रुपया जलकर राख हो गया। वही घटना को लेकर जनरल स्टोर के संचालक मोहम्मद अंसार अंसारी ने बताया कि वो रात 9 बजे दुकान बंद कर घर चले गए, लेकिन रात के करीब 2 बजे गांव के पड़ोसी ने दूरभाष पर दुकान में आग लग जाने की सूचना दी, जिसके बाद आनन फानन में जब दुकान के समीप पहुंचे तो देखा कि दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। उन्होंने बताया कि ये आग असामाजिक तत्वों द्वारा लगाई गई है। वही घटना की सूचना मिलते ही सुल्तानगंज थाना की पुलिस एवं अग्निशमन की टीम घटनास्थल पर पहुंची, जिसके बाद दमकल की मदद से आग बुझाया गया, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। इधर पुलिस घटना की छानबीन करते हुए दोषियों की तलाश में जुट गई है। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश पर जिले भर में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर बीते रविवार को कोतवाली से भागलपुर थाना मोड़ के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें मारुति स्विफ्ट कार से पुलिस टीम को भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुआ। इस दौरान 750 मिलीलीटर का 48 एवं 375 मिलीलीटर के 120 बोतल शराब समेत कुल 81 विदेशी शराब बरामद किया गया। वही चालक के साथ एक तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान मुंदीचक तिलकामांझी निवासी राजेंद्र महतो के पुत्र रवि कुमार एवं मिर्जानहाट निवासी राम रतन सिंह के पुत्र सूरज कुमार के रूप में हुई है। इधर घटना को लेकर थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने बताया कि शराब को गोड्डा से भागलपुर लाया जा रहा था, जिसमें दो तस्कर की गिरफ्तारी हुई है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर के नाथनगर नरगा कोटी स्थित पूरनमल सावित्री देवी बाजोरिया सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण में सोमवार को बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई गई। इस दौरान विद्यालय परिवार समेत छात्र छात्राओं ने जनजातीय गौरव दिवस पर बिरसा मुंडा को याद करते हुए नमन किया। कार्यक्रम की शुरुआत भागलपुर विभाग के विनोद कुमार एवं विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य जितेंद्र प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर किया।
वही अपने संबोधन में विनोद कुमार ने कहा कि बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची जिले के उलीहातू गांव में हुआ था और हिंदू और ईसाई दोनों धर्म की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा ने अपने छोटे से जीवन में अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों को एकत्रित कर विद्रोह का सूत्र तैयार कर लिया और उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। बिरसा हमेशा अपनी संस्कृति और धर्म को बचाना और बरकरार रखना चाहते थे, जिसके कारण आज भी बिरसा मुंडा को न केवल झारखंड में बल्कि आदिवासी समाज के राष्ट्र के नायक के रूप में देखा जाता है। साथ ही कहा कि बिरसा मुंडा के जीवन से हमें साहस, शौर्य एवं सेवा की सीख मिलती है। इधर प्रभारी प्रधानाचार्य जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि बिरसा मुंडा एक पढ़े लिखे युवा नेता थे जिन्होंने कई उद्देश्य को लेकर आंदोलन की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि वे जमींदारों और ठेकेदारों के अत्याचार से आदिवासियों को मुक्ति दिलाना चाहते थे, जिसके कारण समाज ने उन्हें अपना भगवान मान लिया और उनका प्रत्येक शब्द मुंडाओं के लिए ब्रह्मवाक्य बन गया। इसके अलावा कार्यक्रम प्रमुख शशि भूषण मिश्रा ने बताया कि जनजातीय गौरव दिवस 15 से 22 नवंबर तक मनाया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम सम्मिलित हैं। इस अवसर पर मनोज तिवारी, अंजुरानी, सुबोध झा, सुप्रिया कुमारी, अमर ज्योति, गोपाल प्रसाद सिंह समेत कई शिक्षक शिक्षिका और काफी संख्या में छात्र छात्रा मौजूद रहे। सुल्तानगंज में भागलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान अधिवक्ता मनीष कुमार ने बताया कि सुल्तानगंज प्रखंड के विभिन्न गांव में जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें 11 दिसंबर को भागलपुर व्यवहार न्यायालय में लोक अदालत लगाए जाने की जानकारी भी दी गई। साथ ही विधिक जानकारों ने लोगों को आपसी सहमति से किसी भी मामले का निपटारा लोक अदालत में कराए जाने की बात कही, जबकि इसको लेकर गाँव में भी जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पीएलबी मेंबर मोहम्मद आजाद खान, पीयूष राज सहित कई सदस्यों ने विभिन्न जगहों पर विधिक जागरूकता अभियान चलाया। भागलपुर के कामल स्कूल प्रांगण में विश्व गरीब दिवस को लेकर 200 गरीबों के बीच कंबल वितरण किया गया। विश्व गरीब दिवस पर ठंड को देखते हुए स्कूल प्रबंधन और शिक्षक शिक्षिकाओं ने गरीब लोगों के बीच कंबल वितरण किया, जिससे ठंड के मौसम में जरूरतमंद लोगों को राहत मिल सके। बता दें कि विद्यालय प्रबंधन की ओर से रिक्शा चालक के अलावा ठेला एवं टोटो चालकों के बीच कंबल के साथ खाद्य सामग्री भी बांटा गया, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मदद मिल सके। इस दौरान स्कूल की प्राचार्या सिस्टर सैंड्रा, उपप्राचार्या सिस्टर आशा और सिस्टर मैरिशियन ने मिलकर सामग्री वितरण किया और सबों ने अपनी ओर से सुखी जीवन की शुभकामनाएं भी दी। वही सिस्टर एस्प्रांजा, सिस्टर एलिना, सिस्टर एथलीना और सिस्टर इतिल्दा ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लेकर गरीबों को सेवा प्रदान की। मौके पर शिक्षक राजेश कुमार, रूपक कुमार सहित नॉन टीचिंग स्टाफ भी मौजूद रहे। भागलपुर टीएनवी कॉलेज के सामने स्थित बालक अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास में ऑनलाइन इंट्रैक्शन प्रोग्राम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड की ओर से किया गया था, जिसमें छात्र छात्राओं को आईएएस, आईपीएस और न्यायिक सेवा से जुड़े अधिकारियों ने संबोधित किया। इंट्रैक्शन प्रोग्राम में छात्र छात्राओं को यूपीएससी, बीपीएससी सहित न्यायिक सेवा के लिए तैयारी करने की सलाह दी गई। इस दौरान पूर्व आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने बताया कि कठिन परिस्थिति में रहते हुए भी उन लोगों ने कभी हिम्मत नहीं हारी और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखा। वही भागलपुर खानका पीर दमड़िया शाह मार्केट के 15वें सज्जादा नसी सैयद शाह फखरे आलम हसन ने बताया कि खानका परिवार भी आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चे बच्चियों की सहायता करेगा, जबकि सैयद अशरफ शाह ने कहा कि विचार विमर्श कार्यक्रम के तहत हम लोग बिहार के छात्र छात्राओं का आईएएस और आईपीएस की तैयारी की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि नीतीश सरकार भी अल्पसंख्यक छात्रों को कई प्रकार का स्कॉलरशिप दे रही है। साथ ही कहा कि यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार को प्रपोजल भेजा जाएगा। इस अवसर पर डॉक्टर ए नईम समेत कई शिक्षाविद और समाजसेवी मौजूद थे।
अष्टयाम संकीर्तन को लेकर सोमवार को नाथनगर से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा मंसर विषहरी स्थान निस्फंबे पंचायत से निकलकर अंबे मधुसूदनपुर गनौरा बदरपुर दिग्घी चौक नवटोलिया मनोहरपुर होते हुए बांग्ला स्कूल स्थित शीतला स्थान पहुंची, जहां से जल भरकर श्रद्धालु पुनः मंसर स्थित विषहरी स्थान पहुंचे। बता दें कि शोभा यात्रा में काफी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। वही इस आयोजन को लेकर दिनेश प्रसाद यादव ने कहा कि अष्टयाम संकीर्तन का आयोजन शुरू हो गया, जिसमें काफी संख्या में भक्त भी शामिल हो रहे हैं। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बिहार पंचायत चुनाव के सातवें चरण में रंगरा और गोराडी में शांतिपूर्ण संपन्न हुआ मतदान, वोटरों में दिखा गाँव की सरकार चुनने का उत्साह। महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के ऐतिहासिक निवास कक्ष तोड़ने के विरोध में एकजुट हुए सेवक, कहा धरोहर को नहीं होने देंगे नष्ट। असामाजिक तत्वों ने किराना दुकान में लगाई आग, हजारों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। जिले में नहीं थम रहा है अवैध शराब का कारोबार, डीएम के निर्देश पर सदन जांच के दौरान भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। और जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई गई बिरसा मुंडा की जयंती। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।